हेलो एवरीवन वेलकम टू अभिमन्यू आई एस आई एम सार्थक सीनियर फैकल्टी अभिमन्यू आई एस सो एज यू ऑल नो एच ने अपना एग्जाम कैलेंडर आउट कर दिया एंड इट हैज़ ऑफिशियली अनाउंस द डेट फॉर एच एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस बोथ एंड द डेट्स आर सी हेयर सी प्रीलिम्स की जो डेट है अपनी एच एग्जाम की जो प्रिलिम्स की डेट है ग्यारह फरवरी इलेवेंथ ऑफ फेब राइट सी हेयर इलेवेंथ और मेंस की जो डेट है थर्टीयथ एंड थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च सो दीज आर द डेट्स विच हैज बीन ऑफिशियली अनाउंसड बाय एचपीएससी सो नाउ यू डोंट नीड टू वेट अगर आप अभी भी नोटिफिकेशन की वेट करें कि नोटिफिकेशन आएगा हम करेंगे सो यू आर एक्चुअली लेगिंग बिहड नाउ बिकॉज नोटिफिकेशन भी अब तो किसी भी टाइम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है एच का जिसके अंदर प्रॉपर वैकेंसी की डिटेल्स एंड एवरीथिंग एल्स विल प्रोवाइडेड वो भी बहुत ही जल्द आएगा अपराउंड यू ए आस्क मी तो अराउंड दिसंबर की स्टार्टिंग में यू कैन डेफिनेटली एक्सपेक्ट कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर अगले पंद्रह दिन से लेके फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक किसी भी टाइम ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी फॉर आवर एच एग्जाम कैन बी आउट राइट सो नाउ यू नीड टू प्रिपेयर आप पूरे अपने अपने टाइम शेड्यूल को लेके बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हो गया और बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंट हो चुका है हमने पिछले दो तीन जो एच सी एस हो चुके हैं उसके अंदर हम ये चेकआउट कर चुके हैं कि जैसे ही वो डेट्स अनाउंस करता है डेट्स अनाउंस करने के पंद्रह से बीस दिन के बाद अप्रॉक्स जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाती है और जो डेट दी जाती है उस डेट पे डेफिनेटली एग्ज़ाम ले लिया जा रहा है थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो तो हो बट एग्ज़ाम उसके अराउंड डेफिनेटली कनेक्ट किया जाता है राइट right? सो so, आपके लिए ऑफिशियल डेट 11 फरवरी है राइट right? और जो मेंस की डेट है थर्टी मार्च एंड थर्टी मार्च सो आपको इसको मान के चलना है कि हाँ यही डेट है बिकॉज एग्ज़ाम कनेक्ट किया जा सकता है डेफिनेटली दैट इज़ अ रीज़न दे आर ऑफिशियली अनाउंसिंग इट राइट सो फॉर दैट रीज़न ओनली आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू विच इज़ दिस अभी मन्यू आई ने एच के लिए प्रीलिम्स पे स्पेशली प्रीलिम्स फोकस होके हमने एक बैच एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स के लिए लॉन्च किया है विच इज द 75 फाइव डेज सेवेंटी फाइव डेज बैच अपना जो है राइट वेयर इट विल बी अ फास्ट ट्रैक कोर्स फॉर प्रीलिम्स ओनली यहाँ पर स्पेसिफिकली फिल्म्स के ऊपर फोकस किया जा रहा है राइट सेवेंटी फाइव डेज का बैच होगा लाइव बैच होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत मोड सारे अवेलेबल इन इट राइट दोनों इसके अंदर सब कुछ कवर किया जाएगा आपका प्रिलिम से रिलेटेड एनी थिंग आपके वीकली टेस्ट होंगे इसके अंदर राइट सी हेयर वॉट ऑल यू विल बी गेटिंग इन दिस फास्ट ट्रैक बैच वॉट ऑल एवरीथिंग लाइव क्लासेज होंगी आपके लिए राइट यू विल बी गेटिंग लाइव क्लासेज हेयर रिकॉर्डेड क्लासेस भी ऑब्वियसली आप रिकॉर्डेड सेशन भी देख सकते हैं अगर आप नहीं भी अटेंड कर पा रहे लाइव तो यू विल भी गेटिंग रिकॉर्डेड सेशन एज वेल सी सेट इंक्लूडेड है राइट right? इसी के अंदर रिविजन क्लासेज होंगी डेली बेसिस पे भी टेस्ट लिए जाते हैं यहाँ पर वीकली टेस्ट भी होंगे आपके लिए और यू विल भी गेटिंग टेस्ट सीरीज एज वेल एवरी थिंग डेली टेस्ट वीकली टेस्ट कंप्लीट टेस्ट सीरीज फॉर फिल्म एवरी थिंग इज अवेलेबल अंडर दिस कोर्स एंड वन द बिगेस्ट थिंग द बिगेस्ट थिंग जो इस कोर्स के लिए मैं कहूँगाड गो फॉर इज द मेंटरशिप जो गाइडेंस इसके अंदर मिलती है ना एक्चुअली वहीं पे बच्चे लैग करते हैं आप पढ़ तो लेंगे लेकिन जो रियल गाइडेंस होती है कि आपको जब ट्रैक पे है कि नहीं है आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है कि जा रही आप सही सोर्सेज फॉलो कर रहे कि नहीं कर रहे उन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए और देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो एज अ स्टूडेंट अ पर्सन स्टूडेंट फील बहुत थिंग बहुत सारे इशूज़ आते हैं स्टूडेंट के साथ प्रिपरेशन के टाइम में आप जब प्रिपरेशन करते हैं बहुत ऐसी चीज़ें आती है जो आप कहीं पर बता भी नहीं पाते सो ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स नीड सम समरशिप आपको कोई गाइडेंस चाहिए होती है यू नीड अ पर्सन हु कैन गाइड यू कि सर कि यहाँ पर हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं कैसे हम सही ट्रैक पे आएँ एक शेड्यूल अगर आपको बनाना है टाइम नहीं कर पा रहे चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहे एवरी थिंग वहाँ पर आपकी मैंटरशिप काम आ रही है आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंटरशिप की क्या वैल्यू है राइट सो इट विल बी अ सेवेंटी फाइव डेज़ कोर्स अराउंड टू हंड्रेड टेन आवर दो सौ दस घंटे के अराउंड अराउंड टू टू टेन आवर्स अप्रॉक्स ये जो है टाइम प्रोवाइड किया जाएगा आपको राइट दो सौ दस घंटे आपको दिए जाएंगे हमारी साइड से प्रिपरेशन के लिए एंड द स्टार्टिंग डेट इज़ ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ नवंबर इक्कीस नवंबर से एक्सक्लूसिवली फॉर एच सी एस प्रिलिम्स टेक दिस एज अ सेवेंटी फाइव डे चैलेंज जो चल रहा है आजकल राइट सेवनटी फाइव डे चैलेंज आपको पिचहत्तर दिन का चैलेंज लोग अपने फिजिक के लिए ले रहे हैं आपको अपने करियर के लिए लेना है कि हम 75 फाइव पिछहता दिन का चैलेंज दे रहे हैं 75 फाइव डे चैलेंज दे रहे हैं कि यस वी विल डू इट हम करके दिखाएंगे इसको राइट right? प्रीलिम्स को तो क्लियर करके रहेंगे और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा अगर आपको ये लग रहा है कि सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड है मेंस का क्या मेंस का क्या सी द थिंग इज अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप एक टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं मेन्स का काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन तो वहीं ज़्यादा पे हो जाती है सेवेंटी एट्टी परसेंट काम आपका डन हो जाता है उधर ही सो यू डोंट नीड टू वरी सो मच अबाउट मेन्स ऑल्सो अगर आप प्रीलिम्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे ना तो ट्रस्ट मी मेन्स आपका डेफिनेटली क्लियर हो सकता है जो आपको जो रिमेनिंग जो आंसर राइटिंग सेशनस होंगे जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी दैट इज द ओनली थिंग दट यू विल बी नीडिंग टू वर्क यू वर्क अपॉन राइट छोटी मोटी चीज़ें और भी होती हैं लाइक दज एन ऑप्शन और बट राइट नाउ अब जो टाइम है आपका बिकॉज आपके पास अराउंड कितने अराउंड एट्टी नाइन्टी डेज ही हैं राइट प्रिलिम्स के लिए अगर ग्यारह मार्च ग्यारह फरवरी को अपना पेपर हो रहा है तो आपके पास एट्टी नाइन्टी डेज़ ही है सो यू नीड टू वर्क ऑन प्रिलिम्स ऑनली एंड व वन थिंग दैट आई फॉर टू टेल यू अबाउट ज दिस इसका जो प्राइस है हमने बहुत ही नॉमिनल रखा है आपके लिए जस्ट एट अराउंड थर्टी फाइव थाउजेंड जो कि फोर्टी फाइव थाउजेंड होता था आपके लिए हमने स्पेशल ऑफर के अंदर इसको थर्टी फाइव थाउजेंड कर दिया कि सेवेंटी फाइव डेज प्लेलिम्स प्लेलिम्स क्लियर करना है राइट दिस इज द जस्ट एन अफोर्डेबल प्राइस फॉर यू से थर्टी फाइव थाउजेंड इस कोर्स का प्राइस रखा है हमने इसके लिए ट्वेंटी फर्स्ट नवंबर से स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स फोकस है सेवेंटी फाइव डेल एवरीथिंग विल प्रोवाइडेड इयर लाइव क्लासेस होंगी ऑफलाइन होंगी ऑनलाइन होंगी आई विल भी ऑल्सो टीचिंग यू देर राइट यू कैन आस्क एनी थिंग अबाउट दिस कोर्स दिस बैच फ्रॉम अस द रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर दिस बैच विल भी प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट एंड द सपोर्ट नंबर विल ऑल्सो भी प्रोवाइडेड यू कैन कॉल अन टू दटट नंबर यू कैन गेट यूर क्वायरीज रिजोल्व सो विद दिस आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इफ यू हैव एनी थिंग रिलेटेड टू दिस बैच यू कैन आस्क राइट right? आप कमेंट सेक्शन में उनसे पूछ सकते हैं नीचे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं अब बिल्कुल भी बैक्सप करके मत रहिए आप वेट मत कीजिए कि नोटिफिकेशन अगर आप अभी भी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू आर एक्चुअली लेगिंग भैंड नाउ अब टाइम गया क्योंकि नोटिफिकेशन तो किसी भी टाइम आ ही जाएगी जब डेट अनाउंस होगी आपको सिर्फ वैकेंसीज तो दिखेंगी उसमें प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर ही देनी चाहिए आपको राइट सो ज्वाइन दिस बैच एज सुन एज पॉसिबल इट इज़ फॉर यू ओनली इट इज़ टू मेक यू एन एच सी एस राइट आपके ड्रीम को अचीव करने के लिए ही ये बैच लाया जा रहा है कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना तो मोटिवेशन यहाँ पर जाती है आपकी तो आगे वाली चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं फिर अगर आप प्रोवाइडेड जो रिक्वायर्ड हार्डवर्क अगर आप पुट इन कर रहे हैं तो राइट सो विद दिस आई विश यू अगेन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड डिवर्स एन एनी क्वेरी यू कैन कॉल एन टू अर्स एंड प्लीज़ वन लास्ट थिंग डू लाइक कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज़ इट गिवस अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू ब्रिंग दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव फॉर यू So till the, till our next video take care and bye bye thank you